हेलो दोस्तों, मैं दीपिका। मेरे चैनल दास्ताएं रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर डाल दी हैं। और अब ये मसाले जाएंगे, सूखे मसाले। ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन का लिया है, इसको क्रश करके हाथ में फिर डालूंगी। ये ज़रूर डालें, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा मैं ये काली मिर्च और काला नमक मिक्स करके रखा हुआ है वो डाला है। ये मैंने धनिया पाउडर एक चम्मच, और ये गरम मसाला है। और ये अब चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी एक चम्मच। और अब ये मैंने चाट मसाला डाला है, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है परौंठों में। और थोड़ा सा हींग डाला है एक चुटकी। और अब इनको मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे सभी सब्जियों को। सब्जियां अपनी मनपसंद डाल सकते हैं इसमें, चाहे पत्ता गोभी है, मटर है, मटर को भी पीस के डाल सकते हैं, पनीर को डाल सकते हैं, या बथुआ चॉप करके, क्योंकि बथुए का भी अपना कोई टेस्ट नहीं होता तो इसमें उसका पता ही नहीं चलता कि बथुआ डालना है, तो वो भी डाल सकते हैं आप। और इसको मसलते हुए एक अच्छा डो तैयार करेंगे परौंठों के लिए। देखो, इनको अच्छे से एक चिकना डो तैयार करना है। जब हमारा आटा अच्छे से चिकना बनेगा तो परौंठे उतनी सफाई से बनेंगे, क्योंकि इसमें सब्जियां हमने काट के कद्दूकस कर डाली हैं। और अब देखो, ये डो तैयार हो गया है। अब चिकना करके थोड़ी देर रख देंगे। देखो, मैंने थोड़ी देर के बाद फिर इसको मसल दिया है, और ये चिकना डो बन करके हमारा तैयार हो गया परौंठों के लिए। अब परौंठे बनाएंगे। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं दो तरह के परौंठे बना के दिखाऊंगी, एक तिकोने और एक गोल लेयर वाले। दोनों लेयर वाले हैं ये। पहले तिकोने बनाएंगे, पहले हम बना के रख लेंगे इनको एक एक करके, फिर सेकेंगे। देखो, ऐसे गोल बेलते हुए बेलन की मदद से और चक्कू की मदद से इसको आधे में से काटना है। देखो कैसे काटा है मैंने। और अब ऑयल या घी, जो भी आप यूज करते हैं वो लगाएं, और ऊपर से सूखा आटा छिड़कना है। यही लेयर खोलने के काम करता है सूखा आटा, ये चिपकने नहीं देता। और अब ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड करना है धीरे से, और फिर इसी को उठा के इधर फोल्ड करना है। और एक बार और, ये तिकोना कितनी लेयर्स खुलेंगी, ये तीन चार लेयर हैं इसमें, ये सभी खुलेंगी खाते हुए, बहुत टेस्टी बनता है ये। एक चुटकी ये कलौंजी ली है, इसके नीचे लगाई है, और ऊपर ये परौंठे का लोई रख दी है। और सूखा आटा लगा के अब सेट सा करके इसको फिर बेलेंगे दोबारा से। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये कलौंजी। और कलौंजी की जगह आप काले तिल भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मेरे को कलौंजी अच्छी लगती है, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। देखो हमारा परौंठा बेल करके तैयार हो गया है। और अब दूसरा लेयर वाला परौंठा बना के दिखाती हूँ। फिर सेक लेंगे इनको तवे पे डाल के, और ऐसे इसको गोल बेलना है बेलन की मदद से, और धीरे धीरे
गोल बेल के। और अब ये ऑयल लगाया है और इसको भी ऐसे ही काटेंगे चाकू की मदद से आधे उसमें से। और ये सूखा आटा भी लगाना है, चाहे पहले लगा लो चाहे काटने के बाद लगा लो, दोनों चीज़ें। देखो पहले मैंने उधर से फोल्ड किया था, अब मैं इधर से कर रही हूँ। ऐसे फोल्ड करते जाओ, इसमें बहुत सारी लेयर बनती हैं, जब खाते हुए बहुत टेस्टी लगता है तभी पता चलता है लेयर्स का। देखो ऐसे फोल्ड करते हुए और ऐसे घुमा के थोड़ा सा सभी को, और हाथ की घुमाते हुए दबा देंगे अब इसको। देखो अब ये एक लोई की तरह बन के तैयार हो गया है। और अब सूखा आटा लगा के इसके नीचे भी मैं वही डालूँगी कलौंजी, सूखा आटा लगा के ऊपर नीचे ये कलौंजी लगाई है मैंने रखी है, और ऊपर से ये इसको रख के बेल देंगे ताकि वो अच्छे से नीचे चिपक जाए इसके। देखो कितनी अच्छी लगती है कलौंजी, ब्लैक ब्लैक, और ये हेल्दी तो होती है सेहत के लिए हमारे। अब इसको बेल के गोलाई में ही बेल लेंगे इसको। देखो अब तवे पे इसको सेकेंगे, डाल के परौंठे की तरह सेकना है। देसी घी ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, मैं देसी घी लगा रही हूँ, और मीडियम टू लो गैस पर सेकना है। तेज पे जल जाता है, धीरे धीरे सेकेंगे इसको, ऐसे धीरे धीरे पलटते हुए सारे कोने भी सेकने हैं, बीच से भी सेकना है, दबा दबा के सेक लेंगे। और ये मिक्स वेज परौंठा बहुत टेस्टी लगता है, दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। देखो परौंठा हमारा बन करके तैयार हो गया है। और अब ऐसे ही जो तिकोणाकार परौंठा रखा था बना के वो सेक लेंगे धीरे धीरे। और इसको भी पलटने के बाद ही घी लगाएं, कच्चे परौंठे पे घी या ऑयल कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पलटने के बाद फिर लगाएं, फिर पलट के फिर दूसरी साइड लगाएं ऐसे ही, और अलटते पलटते हुए इसको एक ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखो कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे परौंठे पे। और ऐसे हिला हिला के हम सारे इसके कोने भी सेक लेंगे, और हमारे परौंठे बन करके तैयार हो गए हैं। देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।